मान जी अब आपसे एक सवाल। विनय भाई ने तो 84 से जो आपने शुरुआत की मंदिर बनाने की, उसकी जो कहानी सुना दी, मंदिर बनाने के लिए जो तमाम देश भर से संतों को जुटना था, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने काम किया, जिस तरह से साधु संतों को एकजुट किया गया, कितना मुश्किल काम था पूरे देश के साधु संतों को एकजुट कर इस एक ही मुहिम में लगाना। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के साधु संत ही नहीं, सारे राम भक्त राम जी के नाम पर, राम जी की जन्मभूमि के नाम पर सब संगठित हुए। सारा देश आंदोलित हो गया और इतना आंदोलित हुआ इतना प्रवाह उमड़ा कि चारों तरफ से राम भक्त अयोध्या आए और उनके प्रवाह को कोई रोक नहीं पाया। जो विवादित ढांचा था राम जन्मभूमि, राम भक्तों ने ध्वस्त कर दिया, कोई रोक नहीं पाया और ये आंदोलन बराबर बढ़ता ही जा रहा है और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, निश्चित है। इसके साथ साथ हमारे लिए राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र भी सर्वोपरि है। महापुरुषों का त्याग था, तपस्या था, राम भक्तों का बलिदान था, कितना बड़ा संघर्ष हुआ, अयोध्यावासी ही नहीं पूरे विश्व ने इसको देखा है। सबकी इच्छा पूर्ण हुई, विजय प्राप्त हुआ, राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है और सब जानते हैं आगे आने वाली जनवरी में भगवान श्री राम अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन महंत जी ये सपना तो आप लोगों का काफी बड़ा पूरा हो गया, एक बड़ा बहुत बड़ा सपना था, लेकिन जब राजीव गांधी ने दरवाजे खुलवाए थे, ताले खुलवाए थे, तो साधु संतों ने उनका समर्थन क्यों नहीं किया? बिल्कुल गलत बात है, राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया, राष्ट्र के साथ में इन लोगों ने बहुत बड़ा अन्याय किया, अत्याचार किया है, बिल्कुल गलत बात है। हमारे सब कुछ राम भक्तों ने किया है, विवश कर दिया, विवश होना पड़ा इनको, राजीव गांधी और किसी ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ केवल राम जी की कृपा से, महापुरुषों के त्याग तपस्या से, राम भक्तों के त्याग तपस्या से ये कार्य हुआ है। लेकिन कैसे आप लोग पुजारी थे यहाँ पर, रामलला टेंट में विराजमान थे, कैसे कहाँ से आप लोग उन पुजारियों का खर्चा, पूजा का खर्चा, साधु संतों का खर्चा, ये कितना दुष्कर कार्य था महंत जी, कैसे कुछ पूरा नहीं किया? राम जी की कृपा से सब कार्य, ये दुस्साह नहीं है, सब सरल था, कोई चीज की कमी नहीं। लोगों ने कई बार, अशोक जी याद है, इतना बड़ा भव्य मंदिर, महाराज जी से प्रश्न किया, इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनेगा कैसे होगा, महाराज जी ने कहा देखते रहिए, इतना पैसा आएगा आएगा, इतना धन आएगा, इतना उत्साह लोगों के अंदर है कि अपने आप बन करके तैयार हो जाएगा और